जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि यह बैठक बाल संरक्षण की बैठक की थी, जिसमें बच्चों की सुरक्षा व उनकी पढ़ाई पर चर्चा की गई। इसके साथ जो बच्चे मंदबुद्धि हैं उनके विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, बैठक में बच्चों के विकास के लिए कई अहम सुझाव मिले हैं जिस पर विचार किया जाएगा और जो समितियां कार्य कर रही हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वह अपने कार्यों को ईमानदारी से करें। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, BSA रामेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा, हमारा वो ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो फिर आस्थि परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं उम्र निर्धारण के लिए। तो ये जो गैप आ रहा है बीच में कि अगर कोई एक चीज है, तो मैं भी 7 साल सेवा दिया, बाल हित में जो प्रोविजन है वो किए जाने चाहिए। तो बड़ा है तो स्पष्ट रूप से एक लाइन मिली हुई, ये लोग घटा शब्द बोलते हैं कि अगर कोई समस्या है तो पॉजिटिव में हम नेगेटिव चर्चा ना करें। आज से ही हम करने की बात है कि जहाँ से बातें आती हैं उसको कर सकते हैं, तो आप क्यों उसको टाल रहे हैं, क्यों तो इससे पॉजिटिविटी चला रहा है। और तब जाकर हम लोग बात करें कि गोरखपुर में एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल पेश हो। लेबर डिपार्टमेंट से कुछ है जो नहीं संभव पाता है, अब बच्चे को लेकर जाए यहाँ, ये दिक्कत होती है कई शहरों में। मेडिकल तो उसका विदिन 24 आवर हो चुका था, एज की बात हो रही है। सर 12 के बाद JJ एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया 2015, लेबर एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया 2016, बट ये यूपी का प्रचलन है कि जो शासन आदेश से पहले हम लेटेस्ट अमेंडमेंट करके जो होना चाहिए वो अगर यूपी के लिए वो अगर इशू कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको बता दें कि शैल्य एक्ट बिल्कुल ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और एक काफी लेट हुआ सर, इसको योजनाओं से जोड़ना था, काफी लेट हुआ। एक आइडेंटिफाइड बच्चे अलग अलग जगह पर हैं और कई बार दिए भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रिहैबिलिटेशन में है, इवन बच्चों ही नहीं उनके पेरेंट्स में। जब तक हमारा फोकस एरिया रिहैबिलिटेशन नहीं होगा तब तक हम रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं। इसके संबंध में जो भी संचार है इसको रोल कर दिया जाए, इसको मेरिट्स पर डाल दिया जाएगा। और CWC अगर कुछ ऐसे फॉर्मेट को लेकर कुछ करना चाहती है तो ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस से कोई खुला है या कोई वो नहीं निकल पा रहा है, तो सजेशन है मैम कि इस विषय पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म में उस पर्टिकुलर एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया है, ना सिलेबस में है, और बात करने में भी लोग बहुत हेजिटेट करते हैं। मतलब अगर कोई इस तरीके का टॉपिक उठा भी दे तो उसको ऐसे देखा जाता है कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया है। और ये ऐसा नहीं है केवल स्कूल में, इवन घरों में भी देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि अगर उस पर्टिकुलर बात टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको एक घृणा की नज़र से देखते हैं हम लोग कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया, जबकि इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि कोई भी चेंज जो है अब्रप्टली नहीं हो जाता है कि हम अभी जैसे जो हमारी मेंटेलिटी है उससे एकदम हम बदल जाएँ, वो एक दिन में या दो दिन में नहीं हो पाएगा, वो ग्रेजुअली होता है। और जो सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है वो है हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी बेसिक जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को शुरुआती दौर में कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, वहाँ से जब हम स्टार्ट करें और टीचर्स को मतलब मोटिवेट करें बेसिकली कि वो बहुत तरीके हैं समझाने के, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्टली उन चीज़ों को बताना होता है, तरीके बहुत हैं, बहुत सारे क्रिएटिव मेथड्स होते हैं जिनके तरीके से हम बता सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसको हम एक अभियान चला कि जितने भी हमारे बेसिक के विद्यालय हैं वहाँ पर एक कार्यशाला ज़रूर हम आयोजित कराएंगे, जरूरत होगी तो यहाँ बोला कि ट्रेनिंग पहले दे देंगे कि जहाँ पे जरूरत है, जहाँ लोगों को पता नहीं किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैंपेन को चलाना है, तो वो लोग हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उसमें जो आपका सजेशन है JJ एक्ट वाला, क्योंकि देखिए मतलब क्लास 5th तक अगर हम JJ एक्ट बताएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो बेसिक में उस चीज़ को रखना थोड़ा मतलब वो नहीं है। वो उसमें ये कर सकते हैं कि जो हमारे डिग्री कॉलेजेस इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम JJ एक्ट का ज़्यादा फॉक्सो दोनों के बारे में हम बताएं कि क्या है कंसेंट, क्या क्या मतलब होता है कंसेंट की, क्या एज है,
पॉक्सो एक्ट में क्या प्रोविजंस है जिसकी वजह से इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इंडिया में अभी भी कंसेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कंसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अगर डिस्कशन करेंगे उसमें नहीं है। सिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करें, जो प्राइमरी है मेरा, तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, फर्स्ट टू फिफ्थ। सुनिए, आप एक काम करिए, आप इनको बुला लीजिए, जो हम लोग थीम डेवलप कर रहे हैं उसमें आपके भी जो इनपुट। ये बाल संरक्षण समिति की बैठक थी, तो बच्चों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनके पढ़ाई लिखाई और इन सब के बारे में, जो बच्चे मंद बुद्धि हैं उनकी देखरेख के बारे में मीटिंग किया गया है। और मीटिंग में कई सुझाव भी मिले हैं जिन पर आगे क्रियान्वयन भी होगा, और आगे जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग उनके लिए पूरा तरह से सहयोग करेंगे। आगे के लिए क्या निर्देश दिया गया है? आगे के लिए क्या निर्देश दिया गया? बच्चों के लिए, आगे के लिए बस सिर्फ जो ऑफिसेज है, जो रिलेटेड समितियाँ हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि वो सब क्रियान्वित करें अपने कार्यों को पूरी तरीके से।